आधे लोग तो इसीलिए नहीं आए हैं नानी जी, पछताएंगे। जा तो यार पॉम्पलेट ले जाना यार, नया टेस्ट होगा। कौन जाए लेने? नर्सिंग जा तो। चलो, प्राचीन इतिहास इतने में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये जो डाटा पढ़ा रहा हूं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के 8वें एडिशन में आएगा जी, ठीक है। 8वें एडिशन में आएगा, 2023 8वें एडिशन, ठीक है। उसमें रहेगा, कोचिंग संस्थान के किसी भी पुस्तकों में अभी ये डाटा नहीं मिलेगा कहीं भी छत्तीसगढ़ वाले में। अब हमारे में छपेगा तो फिर बाकियों में मिलेगा, ठीक है। देखते जाओ, पहले हम प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए? आज तक हम लोग पढ़ते थे कि मल्हार में किसका सिक्का मिला है, आज तक पढ़ते थे राजा अपिलक का, ठीक है। किंतु और तीन शासक है, इनके भी सिक्के मिले हैं, कौन? थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी क्वेश्चन देखो, ठीक है। बन जाएगी, अभी आया था, रखना। सीजीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2022 में, तो याद रखना। वेदश्री का भी मिला है, याद रखना। पुरुमा का मिला है, पुलवामी। उसके बाद अपीला किसके बारे में जान रहे थे जी? बस सिमुक का नहीं मिला है, ठीक। नेक्स्ट, इस राज्य में कांच गुप्त के सिक्के इनमें से कहां प्राप्त हुआ है? वाह, वेरी गुड। पचराही में नहीं हुआ है, अकलतरा में नहीं हुआ है, सिरपुर में नहीं हुआ है, तो बानाबरत दुर्ग में हुआ है, ठीक है। पढ़े थे हम लोग गुप्त वंश के बारे में जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बानाबरत में निम्नलिखित गुप्त शासकों के सिक्का प्राप्त नहीं को देखना जी, नहीं हुआ है, ठीक है। कच्छ का हुआ है, चंद्रगुप्त का हुआ है, स्कंदगुप्त का नहीं हुआ है, समुद्रगुप्त का हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, सरवपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? सरव राज ने भी किए थे, किंतु स्वर्ण सिक्के नहीं थे, ठीक है। नरेंद्र ने नहीं किया है, ठीक है। सुदेव राज ने भी नहीं किया है। प्रसन्न मात्र ने सिक्के जारी किए हैं, और इनके सिक्के स्वर्ण सिक्के हैं। हाँ वही है, स्वर्ण सिक्के, ठीक है। सरबपुरी में तीन शासकों ने सिक्के जारी किए जी, सरब राज ने, प्रसन्न मात्रा ने और जयराज ने। इसमें से जो आपका प्रसन्न मात्रा है, इसी का सिक्का स्वर्ण सिक्का, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए जी, गामस कोसलिया, इसके बारे में आप लोग पढ़ा चुका हूं। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र के मुद्रा से प्राप्त हुआ है? मल्हार से। पढ़े थे इसके बारे में। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बारे में लोग मित्र पढ़े लीजिए। नेक्स्ट, सरवपुरी वंश के शासक ये जसराज लिख दिया है, जयराज है ना, जयराज, ये हमारा त्रुटि नहीं है, पीएससी में आया था। कि मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? किलांकन, किला कंकन नहीं, गजलक्ष्मी, मैक्सिमम सिक्का में ही होता था गजलक्ष्मी का, ठीक है। नेक्स्ट, हनुमान का नहीं, शिवलिंग का नहीं, ठीक है। यदि आप नहीं भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत इतिहास गुजरे हैं, तो आप याद रखना, ज्यादा तौर पर किनको देखेंगे जी? गजलक्ष्मी को। कहीं भी हमने शिवलिंग के बारे में नहीं पढ़ा है, कहीं भी हमने हनुमान के बारे में नहीं पढ़ा है, कहीं भी हमने किलांकन के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरवपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता था? शंख चक्र मिलता था, हाँ जी। उसके बाद हनुमान नहीं, गजलक्ष्मी, उसके बाद सूर्य चंद्र नहीं, ठीक है। शंख चक्र किसके मिला है जी? प्रसन्न मात्र के में, और गजलक्ष्मी दुर्गराज, जयराज या मन मात्र में, ये दोनों मिलते थे। किंतु इसमें से यदि दोनों को चयन करने कहा जाए तो किसका चयन करोगे आप? गजलक्ष्मी का, ठीक है। फिलहाल अभी मॉडल आंसर आया है, अब देखेंगे फाइनल आंसर क्या करेंगे, बाकी यही लेंगे गजलक्ष्मी, ठीक है। और देखो तो आया है क्या क्वेश्चन, हो गया ना। तो ये थे मुद्रा संबंधित अब तक पूछे गए प्रश्न।
अब इसका एक बढ़िया सा टेबल बनाओ जी, है ना, शुरू से लेकर लास्ट एक प्रकार का रिविजन है ये, ठीक है, हमारे आठवें सेमिनार है भाई, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, छत्तीसगढ़ में प्राप्त सिक्का अवलिक मुद्रा की विस्तृत जानकारी, ठीक है, विस्तृत जानकारी हमने शासकों के समय पढ़ा है जी, है ना। तो ऑनलाइन के परीक्षार्थीगण कृपया आप लोग पुराना वीडियो देख लेंगे। तो पहले कॉलम लिखेंगे राजवंश का नाम, कौन से वंश है राजवंश का नाम, दूसरे कॉलम में लिखेंगे जिला, ठीक है, तीसरे कॉलम लिखेंगे स्थान, ठीक है, और चौथा कॉलम लिखेंगे विशेष। ये अभी किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा जी, हमारे आठवें एडिशन में आपको मिलेंगे पूरा पूरा, ठीक है, देखते जाओ। राजवंश में पहला हो जाएंगे मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश के सिक्का कहां कहां मिले हैं, तो सबसे पहले हो जाएंगे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा कहां जी, हाँ अकलतरा में। दूसरा हो जाएंगे शक्ति जिला के ठठारी में, याद रखना ठठारी याद रखना। तीसरा हो जाएंगे सारंगढ़ जिला, तीसरा याद रखना सारंगढ़ जिला के बार व देवगांव में, ठीक है, बार व देवगांव में याद रखना, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका रायपुर, रायपुर में जी, पहला जाएंगे तारापुर, दूसरा उड़ेला और तीसरा याद रखना आरंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे तारापुर उड़ेला और आरंग जी, ठीक है, लिखो लिखो टापो इसको, चलो लिखते जाओ। पहला हो जाएंगे अकलतरावला में, इसका क्या हो जाएगा जी, इसका बनावट कोटगढ़, ठीक है, कोटगढ़ में बनावट व प्राचीनता, ठीक है, कोटगढ़ में बनावट और प्राचीनता। नेक्स्ट जाएंगे शक्ति वाला, ये क्या है जी, रूप भाषक सिक्का, ठीक है, रूप भाषक सिक्का रखना, ठीक है, रूप भाषक सिक्का। सारंगढ़ बार देगा वाला कोई नहीं है, उड़ेला और तारापुर आरंग ये सब याद रखना, क्या है जी, आहत मुद्रा याद रखना, ठीक है, आहत मुद्रा याद रखेंगे, ठीक है, बन जाएंगे। इनके खोजकर्ता कौन है, इनके खोजकर्ता है रविंद्रनाथ मिश्र, ठीक है, हाँ रविंद्रनाथ मिश्र जी के द्वारा 1969-70 में इनका खोज किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो आहत मुद्राएं मिली है याद रखना, दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, और इसका संबंध किससे माना गया है जी, मौर्य वंश से। इसी को आहत मुद्रा को ही पंचमार्क सिक्का के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। तो मौर्य वंश में यदि आपको क्विक रीजन करना है तो इतने चीज को आपको क्विक रीजन करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्विक रीजन करना पड़ेगा याद रखना, ठीक। यह हमारे पुस्तक के आठवें एडिशन का पेजेस ही है ना, इसे पूरा पूरा लिखित है, लेकिन इसको मैं आपको चाहूं तो टेलीग्राम भी कर सकता हूं, किंतु ये पुस्तक अभी कॉपीराइट के लिए गया है, ठीक है, कोई अदर कोचिंग वाला पा गया छाप दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अभी तुम लिखो, ठीक है, अभी मैं वीडियो भी जारी नहीं करूंगा, जब पुस्तक आएगा उसके कुछ दिन पहले करूंगा। चलो ये हो गया ना, मौर्य में जांजगीर चांपा, हाँ जी नहीं सुंगवंश, मौर्य के बाद कौन आएंगे तो सुंगवंश, इनके भी साक्ष्य याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए याद रखना, ठीक है। हम देखते जाओ, जिला हो जाएंगे बिलासपुर, ठीक है जी, जिला याद रखना बिलासपुर, ठीक। स्थान कहां हो जाएगा, तो स्थान हो जाएंगे मल्हार, ठीक है, किसके सिक्के हैं जी, ये वसुमित्र के सिक्के हैं याद रखना, वसुमित्र के सिक्के हैं, और इन सिक्कों में किसका चित्रांकन है जी, अश्वमेघ का
चित्रांकन याद रखना, बस आपको सुंगवंश में इतना ही याद रखना है जी। तीसरा हो जाएंगे सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के सिक्के में पहला हो जाएगा आपका शक्ति जिला। शक्ति कहां पर जी? बालपुर में, ठीक है, शक्ति के बालपुर में यह सिक्का मिला है। यह किनका सिक्का रहा जी? यह सिक्का सातवाहन राजा राजा अपिलक का सिक्का था, ठीक है, राजा अपिलक का सिक्का था, याद रखना, ठीक है। बनेंगे तो पहला शक्ति, दूसरा हो जाएंगे बिलासपुर जिला, ठीक है, बिलासपुर के चकरबेड़ा, बिलासपुर के चकरबेड़ा में हमको मिला है सातवाहन कालीन रोम सिक्के, ठीक है, सातवाहन कालीन रोम सिक्के। अब है मोस्ट आईएमपी, ठीक है, बिलासपुर जिले में ही मल्हार में चार सातवाहन शासकों के सिक्के मिले हैं, चार याद रखना, एक दो तीन और चार का, हो गया जी? नहीं हुआ है? देखो पहला हो जाएंगे राजा अपिलक के, ठीक है, राजा अपिलक के सिक्के याद रखना, ठीक है, यहीं तक हम लोग पढ़ते, याद रखना राजा अपिलक के सिक्के। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, हाँ नेक्स्ट याद रखना पुलवामी, या उसी को परीक्षा में पूछा था पुडुम बोल के, है ना, तो पुडुमावी, ठीक है, दूसरा याद रखना पुडुमावी, ये किसका नाम है जी? पुलवामी का नाम टाइपिंग नहीं कर पाए तो पुलवामी लिख दिए, पुलवामी तो छोड़ देना। देखते सिक्का का नाम क्या है जी? आवक सिक्का, है ना, सिक्का, आवक सिक्का याद रखना, ठीक है, बन जाएंगे दो हो गया। तीसरा हो जाएंगे वेद सीरीज, वेद सीरी को वेद सीरीज का डाले लो, ठीक है, तीसरा याद रखना वेद सीरीसा, ये वास्तव में कौन है बंदा? वेद श्री है। इसके याद रखना शीशे के सिक्के थे जी, शीशे मतलब लेड, कांच नहीं, लेड का सिक्का, ठीक है। और चौथा नंबर हो जाएंगे आप सातकर्णी के सिक्के, इनके भी सिक्के जो है ये भी याद रखना शीशे के हैं। तो मोस्ट आईएमपी इसको एकदम ट्रेस कीजिए जी, ठीक है, इसको एकदम ट्रेस करो। अब तक हम लोग केवल और केवल मल्हार से अपिलक पढ़ते थे, किंतु अब ध्यान रखना हमको पुडवामी या पुलवामी का नाम याद रखना है, सिक्का का नाम क्या जाएगा? आवक सिक्का। उसके बाद वेद सिरिस, अर्थात किसका नाम रहा है? ये वेद श्री का नाम याद रखना, ठीक है, तो इनका जाएंगे शीशे का सिक्का। नेक्स्ट याद रखना सातकर्णी, सातकर्णी के भी सिक्के मिले याद रखना, ये भी शीशे के सिक्के थे, ठीक है। तो ये आपका तीन हो गया जी, तीन, कौन कौन सा? मौर्य, सुंग और सातवाहन। कौन आएगा? कुषाण वंश, फिर वही कालम मेरे लिए, है ना, आपके लिए रहेगा। पहला राजवंश, दूसरा जिला, तीसरा स्थान, चौथा विशेष, ठीक है, देखते जाओ। राजवंश में इसके बाद कौन आएगा जी? कुषाण, ठीक है, कुषाण के सिक्के तीन स्थान पर प्राप्त हुए हैं जी, पहला बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर में बिलासपुर, दूसरा याद रखना कोरबा में कोरबा, और तीसरा याद रखना रायगढ़ जिला के खरसिया के तेलीकोट, तेलीकोटा के तेलीकोट, तेलीकोट नामक स्थान में रखना खरसिया के, ठीक है। तो देखिए होगे जी, आप लीजिएगा, डॉक्टर सी के साहू जी के द्वारा इसका खोज किया गया है, ठीक है,
चलो हेडिंग डालेंगे पांचवा, याद रखना गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश जी, गुप्त वंश में पहला हो जाएगा दुर्ग में, दुर्ग के कहां जी, बानाबरद, ठीक है। बानाबरद में याद रखना 1972 में पढ़ा गया इसको ना जी, पाया गया मान चलिए। यहां पर किनका किनका सिक्का मिला है, दबोस समुद्रगुप्त, उसका पुत्र रामगुप्त, ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र मतलब उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य, ठीक है, या इन्हीं को बोलेंगे विक्रमादित्य, ठीक है। ये तीन, उसके बाद चौथा मिलता है कांच, कांच, कांच से बोलेंगे जी, हाँ जी कांच। एक और मिलेगा ना जी, एक हो जाएंगे अलग से आएंगे कच्छ, कच्छ या इसी बोलेंगे बृहदत्त, ठीक है। हाँ कांच को रामगुप्त कर लेना जी। मैं तो कहां मिलता है जी, मौर्य वंश मिलता है, रखना ये मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है, हो गया। अब आइए नेक्स्ट, दूसरा जिला रायपुर, ठीक है। रायपुर में पहला हो जाएंगे आरंग में, ठीक है, आरंग में कुमार गुप्त के, आरंग में याद रखना कुमार गुप्त के रत्न जड़ित, क्या मिला है जी, रत्न जड़ित मयूर सिक्का, ठीक है। दूसरा कहां जाएंगे जी, पिटाई वाल्द, ठीक है, पिटाई वाल्द रखना, ये कहां है जी, हाँ रायपुर में। यहां क्या मिला है, 40 सिक्के मिले हैं कुमार गुप्त के, 40 सिक्के कुमार गुप्त के याद रखना, ठीक है। स्कंद गुप्त के भी सिक्के मिले हैं, है ना, लिख लो। बानाबरद में स्कंद गुप्त के नहीं मिले, याद रखना जी, ठीक है। यहां पर चाहो तो लिख सकते हो स्कंद गुप्त के सिक्के नहीं मिले हैं, स्कंद गुप्त के सिक्के नहीं मिले हैं, किंतु कहां मिला है तो पिटाई वाल्द में, याद रखना, ठीक है। स्कंद गुप्त के सिक्के यहां पर प्राप्त हुए हैं। तीसरा हो जाएंगे खैर ताल, ठीक है, यहां जी 215 उत्पीड़त सिक्के, उभार वाला सिक्के, किनका सिक्का था जी, ये कुमार गुप्त का सिक्का था ये, ठीक है, कुमार गुप्त के सिक्के थे, याद रखना, ठीक है। तो ये रायपुर में आप तीन याद रखेंगे जी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, रायपुर के बाद हो जाएंगे तीसरा नंबर पर रायगढ़, रायगढ़ में कहां जी, खरसिया, ठीक है, रायगढ़ के खरसिया में विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के धनुर्धारी, धनुर्धारी सिक्के मिले, हाथ रखना, ठीक है, धनुर्धारी सिक्के मिले, याद रखना जी, ठीक है, बन जाएंगे चौथा नंबर। इसके बाद गरियाबंद, गरियाबंद के कहां जी, हां पीते बंद गांव, ठीक है, ये राजिम के समीप, याद रखना, ठीक है। यहां पर कुल 49 सिक्के मिले हैं, जिसमें से 46 सिक्के कुमार गुप्त के हैं जी, और 3 सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कहेंगे बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के खैर नाल, ठीक है, खैर नाल और एक खैर ताल, यहां कितने सिक्के मिले जी, 53 सिक्के, किनके हैं ये, कुमार गुप्त के, 54 है क्या,
चौवन चौवन कर लीजिए, एक था और नया पप्पा गए कल, ठीक है, चौवन सिक, ठीक है, छठवा हो जाएंगे बालोद जिले, ठीक है। बालोद के कहां है जी? कुलिया में, याद रखना कुलिया में, यहां पर कुमार गुप्त के सिक्के मिले, याद रखना जी, ठीक है। बालोद के कुलिया में नलवंश, नलवंश, नलवंश के लिए जिला पहला हो जाएगा कोंडागांव, कोंडागांव, कोंडागांव के जगह का नाम है अड़ेंगा। विशेष में यहां पर कुल 32 सिक्के मिले हैं, जिसमें 29 स्वर्ण सिक्के वराह राज के हैं, है ना, और एक सिक्का है भवदत्त वर्मन का, ठीक है, भवदत्त वर्मन का, और दो सिक्के हो जाएंगे अर्थपति भट्टारक का, ठीक है जी, अर्थपति भट्टारक का, ठीक है। कोंडागांव के अड़ेंगा से नलवंशी तीन शासकों के स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिनमें 29 सिक्का हो जाएंगे वराराज के, एक सिक्का भवदत्त वर्मन के और दो सिक्का अर्थपति भट्टारक के। हमने नलवंश पढ़ा तो ये है दादा बेटा पोता, हो गया। दूसरा हो जाएंगे बालोद के कुलिया के पुलिया में, ठीक है, बालोद के कुलिया नामक स्थान पर कितने सिक्के जी? 55 सिक्के। किसके हैं? स्तंभ राज, क्या रखना, ठीक है, स्तंभ राज क्या रखेंगे, तो नलवंश में इतना आपको याद करना है जी, ठीक है। नलवंश के बाद नेक्स्ट लिखेंगे सरबपुरी वंश, ठीक है, सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश का सिक्का कौन से जिले मिलेंगे जी? तो बिलासपुर में मिलेंगे, और जगह भी फिक्स है मल्हार। तीन लोगों के सिक्के मिले, याद रखना, पहला जाएंगे सरबराज, किंतु इनके सिक्के स्वर्ण सिक्के नहीं थे, इन्होंने अपने सिक्कों में प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को प्राथमिकता दी, ठीक है। दूसरा हो जाएंगे प्रसन्न मात्र, मोस्ट एमपीजी, प्रसन्न मात्र के जो सिक्के थे याद रखना स्वर्ण सिक्के थे, और इसी में याद रखना गरुड़ शंख और चक्र का चित्रांकन या अंकन होता था। और तीसरा याद रखना जयराज, जयराज या इसी को बोलते हैं दुर्गराज या इसी को बोलते हैं मन मात्र, इसके सिक्कों में गज लक्ष्मी का अंकन होता था। तो ध्यान रखेंगे सरबपुरी वंशियों के मुद्रों पर गज लक्ष्मी का अंकन होता था मुद्रा में, ठीक है। लास्ट ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, लास्ट जी कौन? मित्रवंश। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको लिख लेंगे। बिलासपुर याद रखना, एकदम दिमाग से उड़ गया ना जी, बिलासपुर, इनके सिक्के मिले याद रखना मल्हार में, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मल्हार के बाद इनके सिक्कों का निर्माण कहां होता था जी? मल्हार में हम लोग पढ़े थे। और इसके पृष्ठ भाग पर किसका चित्रांकन होता था? वेदिका वृक्ष का। और अग्र भाग पर जी मल्हार का होता था, और राजा का नाम और हाथी का जी। शक्ति के बालपुर में किनका सिक्का है जी? ये महाशिगुप्त बाल अर्जुन का, ठीक है। ठीक है जी, महाशिव गुप्त बालार्जुन, इनके सिक्के मिले याद रखना, है ना, कहां पर? तो सिक्के का नाम क्या है जी? केसरी लेख युक्त स्वर्ण सिक्का या मुद्रा, और मुकुदमान, कुकुदमान, ठीक है, हाँ, दौड़ते हुए सांड और त्रिशूल का,
ये तीन चीज का रखना, चित्रांकन वहां पर मिला है और अध्ययन किया है ना भाई। इसको हम लोग शासन शासक वार हमने अध्ययन किया है, तो वही से इसको आप देखिएगा, ज्यादा छोटा हो गया।